काफी अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों से। सबसे पहले तो ये जाना चाहिए पर्सनली आपको कैसे कमेंट्स मिले फ्रेंड्स से फ्रेटर्निटी से स्टार्टिंग विद यू सलमान। गुड कमेंट्स एवरीबॉडी इज लाइक दैट अराउंड मी। वैसे तो मोस्टली आपके आसपास के लोग को बोल ही देते हैं अच्छा, बट जहाँ तक मुझे लगता है सच में अच्छा लगा। Yeah, obviously, you know, your friends are not going to see it and be like, oh, you know, bad job. But it's nice when you kind of, you know, when you're on the road and randomly you see somebody, you know, watching it or listening to it and talking about it. It's a really nice feeling and it's exciting. मतलब काफ़ी सारे दोस्तों का रिस्पॉन्स आया ट्रेलर देख के, वो बोल रहे हैं कि यार बड़ी मिस्टीरियस फिल्म है यार, मतलब रहस्य ही रहस्य छुपे हुए हर एक में। और ख़ास तौर मेरे कुत्तों का उनको बहुत बढ़िया लगा, सुखी राम वगैरह तो वो लगे हुए हैं बड़े प्यारे उसमें, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सब में। मोर देन फ्रेंड्स आए वेरी एक्साइटेड बाय द जो इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं उनका रिस्पॉन्स, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी फैक्टर है तो दे क्वाइट एक्साइटेड। ओके सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि एनएस टेंगी पर इतने लंबे ब्रेक के बाद ही भी लाल सकता, इतने टाइम क्यों ब्रेक लग गया? कुछ आप चूज कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट के लिए आप वेट कर रहे थे इससे इतना टाइम लग गया? नहीं, मतलब इस प्रोजेक्ट में काफ़ी टाइम लग गया इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ जस्ट सेटिंग इट अप, मतलब काफ़ी लॉजिस्टिकली डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था तो उसको सेटअप करते करते काफ़ी टाइम लग गया। ओके दीपक सर, आपने अभी तक के जो भी करियर में जो भी कैरेक्टर्स हैं सभी डिफरेंट हैं और एक के एक बाद जो ढलना रहता है कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस रहता है, कितना आपको वक्त लग जाता है एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर, क्योंकि आपने जो भी किया सब डिफरेंट कैरेक्टर्स बनाए? ये उसमें सबसे पहला क्रेडिट जाता है राइटर और डायरेक्टर को, जिस तरह से वो डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टर को या अपनी दुनिया को, तो आधा काम तो वहीं हो जाता है। और जो पहले से बहुत अच्छा काम कर चुके हैं स्क्रिप्ट पे और उस पर, तो मेरे लिए काफ़ी वो हो जाता है, फिर मुझे बस उस किरदार में रहना है और कुछ नहीं। तो सेम यहाँ पे भी वही था, है ना, कहानी बहुत अच्छे से सुनाई गई और दुनिया अलग थी, एक मज़ेदार थी। तो जिस तरह का राइटर बयां करता है दुनिया उसकी है ना, तो वो जितनी सच्ची होगी उतना ईजी होता है कैरेक्टर में डेवलप। पहली मूवी आपके मुख्य पास और लोगों का ये कहना है कि आपने बिना बोले बहुत कुछ कह दिया था और ये मूवी में तो फिर आप कह रहे हैं तो कमाल हो जाएगा, तो क्या कहना चाहिए, कितना चैलेंजिंग था ये रोल आपका ऐसा हमका जो मुख्य पास और अभी नहीं यार? लोगों ने ये इतना बोला था कि बहुत प्रेशर हो गया उसके बाद, यू नो एवरीबॉडी वाज वेटिंग टू सी व्हाट आई साउंड लाइक, सो आई होप दे लाइक इट। हमने प्रेपरेशन तो काफ़ी की थी वो एक्सेंट पे, थोड़ा डायलेक्ट हो, इतना भी नहीं कि आपको समझ ना आए, बट लिटिल बिट यू नो, ताकि लगे मैं लगे कि मैंने भी कुछ काम किया है, यू नो, सो रियल नर्वस। ओके मानव सर, आपका क्या कहना है, आपने भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल लिए, जैसे दीपक सर ने कहा कि रोल बहुत चैलेंजिंग है, वो किरदार के हिसाब से ढलना रहता है, आपका प्रोसेस क्या रहता है जब भी आप कोई कैरेक्टर में ढलते हैं या कोई कैरेक्टर निभाते हैं? मेरा प्रोसेस रहता है सुनना, आई जस्ट लिसन, और उसी में सारा कैरेक्टर निकला, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू लिसन वट योर डायरेक्टर एंड वट राइटर वॉन्ट्स, बिकॉज वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम। कई बार हम प्री नोशंस बना लेते हैं, प्रेजुडिस हो जाते हैं कि मैं तो ऐसे ही देखता हूँ, तो कई बार वो टोटेलिटी में निकल नहीं पाता, और टोटेलिटी सिर्फ एक ही आदमी को पता होती है फिल्म की, डायरेक्टर। सो इफ यू आस्क मी हाउ आई प्रिपेयर, लाइक जस्ट लिसन। ओके नंदी सर, इसमें जो भी सारे कैरेक्टर्स और जो भी आर्टिस्ट हैं सभी बड़े बड़े कलाकार हैं, तो कितना डिफिकल्ट था आपको, क्योंकि सभी को एक कैरेक्टर में एक पर्टिकुलर सबके कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई करना है, तो कितना डिफिकल्ट था सबके साथ जस्टिफाई करना, कोई एक ओवरशैडो ना कर दे दूसरे को? नहीं, आई थिंक सब बहुत एक्सेलेंट एक्टर्स हैं, मतलब बहुत कमाल के एक्टर्स हैं, और आई थिंक उनमें खुद ही इतना टैलेंट और एक डिसिप्लिन है कि वो एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे थे, या ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को ओवर शैडो करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक वो एक जो एनर्जी आती है बाई प्लेइंग ऑफ ईच अदर, के एक्टर सपोर्टिंग ईच अदर, के एक एक्टर कुछ लाइन बोलता है दूसरा एक्टर उस फीलिंग को लेकर वापस एक कुछ लाइन बोलता है, उनकी एक एनर्जी बिल्डअप होती है, बहुत कमाल की होती है। दीपक भाई को छोड़ के बाकी सब आई लव हिम, सबके साथ बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था, सच विश्वास नहीं है। नहीं, अभी अभी दीपक भाई थोड़ा सच्ची में बोल रहे क्या, माई फेवरेट इनफैक्ट, बट वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई वॉन्टेड टू वर्क विद दीपक। मैंने एक बार ही आपने मेरी एक फिल्म रिव्यूज भी की थी, सॉरी सॉरी गलती हो गई, नहीं थोड़ा कुछ गड़बड़ डेट्स का, जॉम्बी वाली फिल्म थी ना, वो बनी नहीं कभी, शादी ऑफ द डेड, शादी ऑफ द डेड, मैंने एक बहुत अच्छा पार्ट उसमें, आई नो मुझे पता है, नहीं मैं अभी याद आया था, आप मुझे तब से बोले को बिठाना चाह रहे हैं। ओके सर, मैं बहुत सभी से आप सबसे जानना चाहूंगा कि सैम का बहुत ही डिफरेंट रोल नजर आ रहा है इसमें, और ये भी कह रहे हैं कि देसी जैक स्पैरो लग रहे हो,
सो आपने सर ओंकारा में काम किया था, उसके बाद अभी के टाइम पे जो कंपेयर किया जा रहा है ओंकारा के बाद बोल रहे कि ये उनका बहुत ही डिफरेंट रोल है, तो आपका सभी का क्या कहना है देसी जैक स्पैरो के बारे में? नहीं नहीं यार जैक स्पैरो हमें तो नहीं कर रहा है, हमारा अपना किरदार है, देसी है भाई देसी है, मतलब उस समय जो जो भी रेड लॉक्स वगैरह हमारे नागा साधुओं का हम का, अब ये थोड़ी है कि वो यूज़ नहीं कर सकते, उन्होंने पहले यूज़ करते, विजुअल का एक होता है कि थोड़ा सा दिखा होगा हल्का सा लाल भंडारा की वजह से थोड़ा सा लग रहा होगा, बाकी हरकतें बिहेवियर फिलॉसफी साइकोलॉजी जो है उस किरदार की जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं है उसमें, वो अलग जर्नी है ना, तो लेकिन मज़ेदार है। आप देखिए अभी आपको सिर्फ एक झलक की आपने पकड़ रखा है अभी, है ना, आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, भूल जाएंगे सब नहीं व्हाट ही सेड इज एब्सोल्युटली आई मीन जस्ट ऑन पॉइंट बिकॉज हाउ मच आई मीन दे दैट्स व्हाट दे वांट दैट टाइम या व्हाट कैन वी डू विद इट। नहीं मुझे क्या लगता है कि जो जैक स्पैरो का किरदार था वो नागा साधु से प्रभावित हुआ था, अब वो नागा साधु हम प्ले कर रहे हैं तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, कॉपी उन्होंने की हमने नहीं की। I think it's a stupid resemblance. I don't believe that. But if you watch the film, it's a totally different character. Yeah, but historically, very honestly, there is a connection. Because the Caribbean, hai, the Caribbean ka area, बहुत सारे Indians कहते हैं वहाँ पे colonial period में, जबकि वो piracy का दौर है। तो in fact, Caribbean वगैरह, जैसे कि Jamaica वगैरह में उसे गांजा ही कहते हैं। तो there's a lot of and जो dreadlocks भी हैं Caribbean में वो India से गए। तो जो जो लटाए वाले बाल हैं, गांजा पीने की हैबिट बोल दीजिए या शौक, ये सब चीज़ें हिंदुस्तान से गई हैं वहाँ पे, तो क्वाइट लिटरली जैक स्पैरो इज इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियन सोर्सेस। आप सबको जब फिल्म ऑफर किया गया तो सबसे पहला थॉट क्या आया? पैसे मांगो। नहीं नहीं पहला थॉट क्या है? पहला बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अलग दुनिया है, दुनिया अलग है, ऐसे फिल्म ही नहीं देखी है ना, और इसमें अलग तरह का किरदार है, और प्लस मेरे को सबसे बड़ा लालच था दो डॉग्स उनके साथ रहने का, वो मेरे लिए बड़ी अलग चीज़ थी, ऐसा मैंने कभी किया नहीं बोला। Actually, I have a really funny story and I don't think you know this. I was watching a film when I got a call from one of the ADs saying, you know, the director would really like to meet you and all that. So I was like, oh, we were going to meet a little later, so I'm going to put a film right now. And she goes, yeah, yeah, no problem. You know, it's okay, take a time, we'll meet after. And I was literally 5 minutes away from you. He goes, yeah, yeah, take a time, come. So I was like, okay, my phone's on silent. Then this one individual, pretty high up, he called me again and again saying, what's wrong with you? Don't you want to come here and meet the director? And I'm like, yeah, I'm coming. He goes, so you've kind of got the film. Don't you want to come here? And I was like, what? What? Okay, I'm coming. I left and I ran so fast. It's not funny. Okay, so lastly, 50 राज दर राज कुछ ना कुछ खोलिए, तो बहुत ही अलग दुनिया है, सस्पेंस थ्रिल एक्शन और इमोशन से भरी हुई एक जर्नी, जर्नी जिसे आप गाथा बोल सकते हैं वो नज़र आएगा इसमें। नहीं ही सेड इट परफेक्टली। आई विश एवरीबॉडी ऑल द लक जो भी रिलीज कर रहा है, पर अच्छी बात फिल्में बनती है तो ज़्यादा बनेगी तो एक ही दिन पे 10-10 आएंगे, सो गुड गुड फॉर द इंडस्ट्री, सबका काम होना चाहिए, बट हम तो इतना ही जानते हैं जो हमने बनाया, दैट समथिंग वी आर सेलिंग। Thank you. Thank you. Thank you.